बैंकों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन जो जीत हुई है, किसान की जैसे जीत हुई है, उसी तरीके से हम भी लड़ेंगे। प्राइवेट बैंक अगर आ जाता है तो कितना सेफ रहेगा, इस बात की आप इसी बात से अंदाज कीजिए कि आज तक 750 प्राइवेट बैंक डूब चुके हैं। और भारत सरकार ने जो अर्थशास्त्र का अनर्थशास्त्र कर दिया है, हमें उसे बदलना है। इसको लूटने के चक्कर में पड़ी हुई है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में आई है। गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है, ये तो हिंदुस्तान बेच रही है और अमेरिका भाग रही है। तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जैसे अभी आपने किसान आंदोलन देखा, एक साथ परिवारों के यहाँ बदलना देंगे। निजीकरण से निजी लोगों को फायदा होता है, पूंजीपतियों को फायदा होता है। ये एक और विंडो खोल रहे हैं जनता का पैसा लूटने के लिए। देश बिल्कुल बिक जाएगा। सरकार को अगर हमने चुना है तो सरकार को हम हटा भी सकते हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है हम मौजूद हैं रामपुर में, यूपी चुनाव कवर कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आज जो है बैंक कर्मचारी दो दिन के हड़ताल में है, साफ तौर पर हड़ताल इसलिए है क्योंकि जो बैंकों का प्राइवेट किया जा रहा है। हालांकि अभी जो सरकार कह रही है कि दो जो है बैंकों का प्राइवेट करेंगे, सारे बैंकों के कर्मचारी आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि सरकार जो है शीतकाल जो होने वाला है, इसमें जो है एक नया विधेयक भी लाने वाली है बैंकों के लिए। कह रही है कि बैंकों का प्राइवेट करने में अच्छा है, जनता को फायदा होगा। तमाम बैंक कर्मचारी हमारे साथ हैं, सबसे बात करेंगे कि अगर बैंक जो प्राइवेट होता है तो किसका फायदा होगा, जनता का कितना फायदा होगा। क्योंकि जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगमोहन अग्रवाल है। जी अग्रवाल जी, क्या लग रहा है सरकार जो है हट पे नया संशोधन बिल भी लाने वाली है बैंकों के लिए, 2021 में जो शीतकाल शुरू होने वाला है अभी संसद में। जी सर, कह रही है बैंक पेश करेंगे और बैंकों का प्राइवेट करेंगे, अभी दो की बारी है। ये बिल्कुल ही जनता के, देश के और समाज के हर वर्ग के सिर्फ विरोध में ही है। सबसे पहला तो ये है कि जब ये बैंक का निजीकरण हो जाएगा तो ये इस बैंक में एक आम जनता और साधारण जनता का जब अंदर जाना ही मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि कोई भी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक है, उसमें खाता खोलने के लिए मिनिमम 10,000 रुपये की जरूरत होती है। 10,000 रुपया शायद हमारे गिने चुने लोगों के पास भी नहीं होगा तो वह बैंक के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। किसी भी प्राइवेट बैंक में कोई भी सरकारी योजना लागू नहीं की जाती है, चाहे वह जनधन खाता हो, गृह ऋण योजना हो, कोई भी सरकारी योजना नहीं, तो आम जनता के लिए यह बिल्कुल उस प्राइवेट बैंकों में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं अगर प्राइवेट होती है बैंक, सारे सरकारी नहीं बचते हैं, तो जनता का क्या नुकसान होगा? जनता को खुले शब्दों में समझाइए, उनका पैसा कितना सेफ रहेगा अगर प्राइवेट बैंक हो जाएगा? सर, प्राइवेट बैंक अगर आ जाता है तो कितना सेफ रहेगा, इस बात की आप इसी बात से अंदाज कीजिए कि आज तक 750 प्राइवेट बैंक डूब चुके हैं। और अगर प्राइवेट बैंक सेफ है, प्राइवेट बैंक सेफ है तो अभी यस बैंक बंद हो रहा था, उसे सरकार ने कैसे बचाया? सिर्फ इसलिए बचाया कि उसमें सरकार के पूंजीपतियों का, कुछ एमपी एमएलए का और फिल्म स्टार का पैसा था, तो सरकार ने उस बैंक को बचाने से रोक लिया। आईसीआई बैंक जो इतना बड़ा बैंक है, वह दो बार ये बात की शोर मच चुकी है, बैंक डूब रहा है और लोग रात भर बैंक के आगे लाइन लग गए। अगर वह प्राइवेट बैंक सेव है तो इस तरह की बातें क्यों होती है? पीएमसी बैंक बॉम्बे का, उस बैंक में लोगों का सारा पैसा डूब के कगार पे आ गया। अगर प्राइवेट बैंक सेफ है तो क्यों उस बैंक में दिक्कत है? लेकिन आज तक एक भी सरकारी बैंक के बारे में कोई बैंक नहीं हुआ कि बैंक डूब रहा है। बैंक का पैसा अगर सैटरडे को आदमी सोता है और मंडे को बैंक में जाता है सरकारी बैंकों में, तो उसे पता है कि मेरा बैंक सुरक्षित है। आंदोलन अभी हमने 2 दिनों का किया है, 2 दिन सारे हिंदुस्तान के हर ब्रांचेज बंद है, पूरे हिंदुस्तान में जितने सरकारी बैंक हैं। और अगर ये 2 दिन में सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम इसके बाद अगले अनिश्चितकालीन हड़ताल पे विचार करेंगे। पहले भी आपका 2 दिन का हड़ताल था प्राइवेटाइजेशन के लिए, लेकिन सरकार नहीं मानी, फिर से नया विधेयक लाने वाली है, फिर 2 दिन। कब तक चलेगा? 2 दिन तक? दो दिन नहीं चलेगा। अब हम बिल्कुल लास्ट निर्णय, सरकार पहले हमें आश्वासन दे रही थी कि हम अभी कर नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं, अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा मर्जर का कोई प्रोग्राम नहीं है, हम बैंक को प्राइवेट ही करेंगे और प्राइवेट घटा के हम 5 लाएंगे। जब वो सरकार स्पष्ट आई है तो हम भी आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल इसको लूटने के चक्कर में पड़ी हुई है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में आई है। बहुत कह रहे हैं कि देश का विकास करेंगे, इससे देश का विकास नहीं होगा और देश नीचे गड्ढे में चला जाएगा, कह रहे हैं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिल्कुल नहीं, ये आप लोग ये सोच के रखिए मीडिया के थ्रू कि ये देश को बेचना चाहती हैं, इसको बर्बाद करना चाहती हैं और विदेशी ताकतों के हाथों में देना चाहती हैं। नहीं, ये देश बिल्कुल बिक जाएगा, क्योंकि मेरे अगर मुझे आप कोई
हुकूमत दे दीजिए, स्टेट बैंक को मुझे दे दीजिए, तो मैं अपने भाई बेटों को और अपने खानदान को दे दूंगा, और वो इसका लालच जो इसका प्रॉफिट है वो अपने पेटों में भर लेंगे, और स्टेट बैंक का जो एम्प्लॉइज है वो गड्ढे में चला जाएगा। जैसे पहले था लाला के पास लोन लो गहने लेके, वही हालत आने वाला है क्या? उससे भी नीचे गिर जाएंगे। पहले तो लाला को जानते नहीं थे, आज के लाला जो बनिया है जो गिरवी रखने वाले वो बहुत क्वालिफाइड हो गए हैं, और वो आपके सोने को रख के इसको मिट्टी में बदल देंगे और आप देखते रह जाएंगे और वो सरकार को दे देंगे। जी मतलब क्या कह रहे हैं, बैंक गिरवी रख रहे हैं आजकल के लाला लोग, और ये गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है, ये तो हिंदुस्तान बेच रही है और अमेरिका भाग रही है। ये कह रहे हैं कि देश का विकास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया, देश की करेंसी बर्बाद कर दी, सब बेकार कर दिया इनने। कह रहे हैं अगर प्राइवेट होगा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सुविधाएं आएगी, सब बेकार है, ये तो झूठ बोलना चोटते हैं ये तो साले। बड़ा आरोप, क्या लग रहा है, क्या लगता है, क्या नाम है? आवाज दो, आवाज दो। जी भैया क्या नाम है? अरविंद कुमार अग्रवाल। क्या लग रहा है, DRS के लिए बात कर रही है बैंक, सरकार कह रही है कि DRS भी दे देंगे कर्मचारियों को? नहीं, इससे कोई काम नहीं चलने वाला है बिल्कुल भी, इससे कोई काम नहीं चलेगा था। क्या करेंगे फिर, क्योंकि सरकार कहती है कि अब तो लाना ही है। सरकार को हमारी मांगे माननी ही होंगी, जनता के हित की मांगे माननी ही होंगी। नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जैसे अभी आपने किसान आंदोलन देखा, एक साल चला और वो आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, ऐसी बैंक कर्मियों के सामने सरकार झुक के रहेगी? और आज तक हम जीते हैं, जीतेंगे। लगता है कि जैसे किसानों के जो एक साल चला, काफी बलिदान हुए, जीत हुई उनकी, तो लग रहा है कि अब आंदोलन से जीत होगा भारत में? 101% जीत होगा। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी हम जीते थे बिल्कुल। क्या लग रहा है? यही है कि जो प्राइवेटाइजेशन का सरकार का निर्णय है, ये बहुत गलत निर्णय है, इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्राइवेट बैंक, जितने भी प्राइवेट बैंक है, बहुत सारी बैंकें डूब चुकी हैं और सरकारी बैंक आज तक नहीं डूबी हैं। जब से राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, इसीलिए किया गया है ताकि देश में जो जनता है उनका पैसा सुरक्षित रहे। और प्राइवेट बैंकों में आपने देखा ही होगा कई सारे बैंक डूब चुके हैं, PMC बैंक का भी ताज़ा है और यस बैंक का जी, लोग परेशान होते रहे अपने पैसे निकालने के लिए। कई सारी वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हैं उसमें कि लोगों के जो परिजन है वो अस्पताल में भर्ती है लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है कि वो अपना इलाज करा सकें। तो इसीलिए सरकारी बैंक सुरक्षित है और सरकारी बैंक होना चाहिए। प्राइवेट बैंक सुरक्षित है, सरकारी ज्यादा सुरक्षित है? बैंक वो सुरक्षित है जो जनता के हित में है, जो जनता की सुविधाओं को बढ़ाए, जो जनता की सुविधाओं को और बढ़ा दे असुविधाओं को, तो वो बैंक असुरक्षित है। हमारे यहाँ सरकारी बैंक में जीरो बैलेंस भी खाता खुलता है। एक प्राइवेट बैंक बता दो जो जीरो बैलेंस से खाता खोल दे। तो क्या सरकार क्यों पीछे पड़ेगी, प्राइवेट किया जाए, ऐसा क्या वजह लग रही सरकार की? सरकार बार बार ये क्यों कहती है कि आपके 5 लाख रुपए सुरक्षित है? क्यों ऐसा क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में नहीं रखें? आप बताइए। इसीलिए जो है बैंक पीछे पड़ी है कि लोगों का जो ज्यादा पैसा होगा वो हम पूंजीपतियों में बांट देंगे। 5 लाख बात वही आती है, लोट फिर के जो चाहे कोई भी आंदोलन होता है, ये आते चाहे किसान आंदोलन था, उसमें भी बात ये थी कि जमीन जो है पूंजीपतियों को देने की बात हो रही है, बैंक में वही बात हो रही है। क्या लगता है ऐसा कुछ होने वाला? नहीं तो जनता का पैसा जो है वो जनता तक जाना चाहिए ना, पूंजीपतियों पर क्यों पहुंच जाएगा? पैसा आपने जमा किया तो हम किसको देंगे? किसको देंगे आप बताइए, किसको देंगे? जिसका पैसा है उसको ही देना चाहिए ना। अच्छा, ना कि किसी दूसरे सब जनता का पैसा इकट्ठा करके किसी एक आदमी को दे दिया जाए, एक आदमी दे दिया। और भी लोग जानते हैं कि सरकार आखिर पीछे क्यों पड़ी है प्राइवेटीकरण के बैंक है? इससे पूरी तरीके से पूंजीपतियों को ही फायदा होने वाला है, वो सिर्फ लूटना ही चाहिए। क्या लगता है किस तरीके से? सर देखिए, ये केवल पूंजीपतियों के लिए काम हो रहा है। आलोक टेक्सटाइल एक कंपनी थी, कुछ साल पहले बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही थी, उसका शेयर भी बहुत बढ़ रहा था, और वो कंपनी ने 40,000 करोड़ का लोन ले रखा था बैंक से, उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज को मात्र 5,000 करोड़ रुपए में सेल कर दिया गया। और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, भूषण स्टील है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सॉरी अनिल अंबानी की काफ़ी कंपनीज हैं। और आप ये देखिए सर कि एक किसान के उससे भी सोचिए, वो किसान जिसके ऊपर छत भी नहीं है और वो बारिश की कामना करता है कि बारिश हो जाए। आप ये देखिए प्राइवेट बैंक्स, रामपुर जिले में हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा की 32 शाखाएं हैं, ऐसी ऐसी गांव में हैं ब्रांचेज, वो सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, वो केवल पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे। क्या लगता है ये आंदोलन जो है आपका लंबा चलेगा या हार? आंदोलन तो अभी चलेगा, अभी हमारा ऊपर से सिग्नल होगा तो बहुत विशेष तौर पर चलेगा, और हमारा अगर इन लोगों ने हमें एडवाइस किया अगर जाने के लिए, तो हम दिल्ली तक इसके खिलाफ जाएंगे सरकार।
आगे। एक आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन था, अभी कामयाब होकर लौटे किसान, तो सरकार हार गई, सरकार हार गई। वो सरकार, सरकार का क्या नीति थी, सरकार किसानों का जो अनाज था उसको अपने हाथ में लेकर बेचना चाहती थी। जैसा अनिल अंबानी भाई ने कहा, अनिल अंबानी उन्होंने स्टोर बना रखे थे, हमारा जो अनाज है वो उसमें स्टोर करते थे और इसको ज्यादा कीमतों में वहां बेचते थे। उस आंदोलन की जीत की सबसे बड़ी भूमिका यह थी कि सारे एकता बहुत थे, एक साथ थे सब लोग, आप लोग भी सब एक साथ रहेंगे। हां बिल्कुल एकता रहेंगे, अभी तो हमारी गैदरिंग बहुत कम है और हमारा अगर सिग्नल ऊपर से होता है तो हम विशेष तादाद में मैं परिवारों के यहां बधाना देंगे। ऐसा तो नहीं कि आंदोलन एक छुट्टी के रूप में मना दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, भीड़ काफी दिख नहीं रही यहां पे। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा दिख रही, देखिए कितना, अभी देखिए वहां तक कितने लोग खड़े हैं, जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। हम लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, हम लोग पूरे शहर में जगह जगह पर एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। और भारत सरकार ने जो अर्थशास्त्र का अनर्थशास्त्र कर दिया है, हमें उसे बदलना है। हमारा उद्देश्य ये है, हम दो दिन की अपनी तनख्वाह कटवा रहे हैं, नुकसान पर्सनल हमारा हो रहा है। उद्देश्य ये है कि जो जनता है, गरीब जनता है, सामान्य जनता है, जो प्राइवेट बैंक्स में नहीं जा सकती, जो 10,000 न्यूनतम बैलेंस नहीं रख सकती, उनका पैसा सुरक्षित रहे। हम किसी भी तरीके से उनके हित को, उनके हित का अहित नहीं होने देंगे। उद्देश्य हमारा इतना है, उसके लिए हम अपना दो दिन का वेतन भी कटवा रहे हैं। यहाँ पर उनके विरोध में, सरकार के विरोध में खड़े भी हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम सरकार के इस कदम का समर्थन नहीं कर सकते कि आप बैंकों का निजीकरण कर दें। क्योंकि अब संशोधन, नया कानून भी आने वाला है, ये भी शीतकाल में सरकार की मंशा है नया कानून लाने की, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि देश की जनता के हित को इतनी आसानी से बेच दिया जाए। सरकार को चुना है हमने, नहीं नहीं सरकार ऊपर से ना ही है, सरकार को अगर हमने चुना है तो सरकार को हम हटा भी सकते हैं। वो दम हमारे पास है कि अगर आप जनता के हितों की बात नहीं करेंगे तो आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। कुर्सी पर बैठने का अधिकार आपका तब तक है जब तक आप हमारे आम जनता के हितों की बात करेंगे। बिल्कुल, लास्ट में यह है कि किस तरीके से नुकसान होगा आम जनता का, एक समझा दीजिए, क्योंकि जनता देखेगी तो उसको समझ में आना चाहिए। देखिए, निजीकरण से फ़ायदा किसको होता है? निजीकरण से निजी लोगों को फ़ायदा होता है, पूंजीपतियों को फ़ायदा होता है। ये एक और विंडो खोल रहे हैं जनता का पैसा लूटने के लिए। वो निजी बैंक कभी भी दिवालिया घोषित हो सकते हैं, जनता का पैसा लूट जाएगा। इससे पहले हमने देखा है काफ़ी बैंक, जो निजी बैंक थे वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं ऑलरेडी, पब्लिक का पैसा लूट चुका है। ये एक नई विंडो खोली। और राष्ट्रीयकरण से फ़ायदा जो होता है वो राष्ट्र हित होता है। मोदी सरकार अक्सर बात करती है कि हम जो भी फैसला करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं। क्या राष्ट्र हित की बहुत बात करती है सरकार, मोदी सरकार जब भी बात करती है राष्ट्र हित की बात करती है, तो हमारी समस्या और पब्लिक की समस्या भी राष्ट्र हित तो राष्ट्रीयकरण में ही होता है, निजीकरण में तो नहीं होता है, बिल्कुल निजीकरण में नहीं होता। अगर मोदी सरकार इस चीज को समझा दे कि निजीकरण से राष्ट्र हित किस तरीके से हो रहा है, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है इस चीज को। इसलिए ये अभी तो दो दिन की हड़ताल चल रही है, आगे अनिश्चितकालीन भी हड़ताल करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे हम। बिल्कुल, साफ बैंक कर्मचारियों से बात की और साफ तौर पर यही कहना है कि अभी जो है आंदोलन दो दिन का है और ये अनिश्चितकाल आंदोलन में चल सकता है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो ये आंदोलन जो है लंबा चलेगा। साफ तौर पे जो है आप देख सकते हैं कि सारे कर्मचारी जो यहाँ मौजूद हैं, और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि अब जो है ये आंदोलन सिर्फ अभी दो दिन के लिए है, लेकिन ये आंदोलन जो है लंबा चलेगा। और सारे बैंकों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन जो जीत हुई है, किसान की जैसे जीत हुई है, उसी तरीके से हम भी लड़ेंगे और अपनी सैलरी कटवा के जो है इन बैंकों को बचाने का काम करेंगे।